दोस्तों, आपने रोड पर चलने वाली गाड़ियों जैसे बाइक, कार या ट्रक पे लगे हॉर्न को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या यही हॉर्न एरोप्लेन में भी लगा होता है? और अगर लगा भी होता है तो ये किस काम में आता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या सच में एरोप्लेन में हॉर्न लगा होता है। इस बात को जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रोड पर चलने वाली गाड़ियों के जैसे ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हॉर्न लगा होता है, लेकिन ये पंछियों को डराने या भगाने के काम में नहीं आता और ना ही ये दूसरे एरोप्लेन को रास्ता देने के लिए होता है, बल्कि ये हॉर्न ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधने के काम में आता है। और अगर साथ ही साथ एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस हॉर्न का इस्तेमाल संकेत देने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ज़मीन पर किया जाता है, ना कि हवा में, क्योंकि आसमान में कोई ट्रैफिक नहीं होती है। हालांकि आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ते रहते हैं, लेकिन ये हॉर्न उनको डराने या भगाने में यूज नहीं किया जाता है। प्लेन की आवाज़ इतनी तेज होती है कि पंछी इसकी आवाज़ को सुनकर खुद दूर चले जाते हैं। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।